मानव भूगोल की अगली क्लास में हम देखेंगे मानव जनसंख्या के बारे में। तो मानव जनसंख्या क्यों महत्वपूर्ण है, उसको मानव भूगोल में क्यों पढ़ा जाता है, उसके लिए थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले। तो हमें पता है कि भूगोल के अध्ययन में मानव का प्रमुख स्थान है, और जो मानव है वो एक भौगोलिक तत्व, संसाधन और कारक तीनों है। और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है भौतिक पर्यावरण का। अब भौगोलिक तत्व है, उनको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। भौगोलिक तत्वों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले मानव। मानव क्या करता है? प्राकृतिक संसाधनों का विकास करता है और फिर उनका उपभोग भी करता है। दूसरा है प्राकृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण क्या होता है? वह वातावरण है ये जिसमें मानव कार्य करता है, मानव क्रियाशील होता है और इसी वातावरण में मानव संसाधनों की खोज करता है। तीसरा जो है वो है आपका मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण क्या है? मानव जब प्राकृतिक वातावरण के साथ अंतर क्रिया करता है, ये दोनों जब अंतर क्रिया करते हैं तो इसका निर्माण करते हैं। वस्तुतः यह मानव द्वारा प्राकृतिक वातावरण एवं संसाधनों के उपयोग का प्रतिफल होता है। तो ये क्या होता है? ये रिजल्टेंट या आउटपुट होता है। किसका आउटपुट है ये? इन दोनों का, प्राकृतिक वातावरण और मानवीय वातावरण का। तो मानव जो है, जनसंख्या जो है, वो मानवीय पर्यावरण निर्मित करती है। तो इसी चीज़ को हम इसी इसी इसीलिए मानव की जो प्रकृति है, मानव का जो केंद्रीय स्थान है, उसको ध्यान में रखते हुए हम विश्व की जनसंख्या के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखो, मानव पृथ्वी का एक विशिष्ट प्राणी है और विभिन्न प्रकार के भौगोलिक अध्ययनों का केंद्र बिंदु भी है। ठीक है। और किसी देश के संसाधनों के उपभोग के स्तर का पता जो लगता है हमें, वो उस देश की जनसंख्या और उनकी जीवन शैली से लगता है। और इनका उस देश की जनसंख्या और जीवन शैली किस चीज़ से प्रभावित होती है? कि वहाँ पर संसाधनों के उपभोग का स्तर कैसा है। आप देखो कि जो विकासशील देश हैं, वहाँ पर प्रति व्यक्ति खाद्यान्न ले लो, प्रति व्यक्ति ऊर्जा ले लो, या प्रति व्यक्ति अन्य संसाधन ले लो, उनके उपभोग आपका कम होता है विकासशील देशों में। और जो विकसित देश हैं, यहाँ पर कैपिटा कंजम्पशन हर चीज़ का, लगभग हर चीज़ का पर कैपिटा कंजम्पशन ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या जीवन स्तर बेहतर होता है। देखो, किसी देश का जो आर्थिक विकास है, उसके लिए मानव संसाधनों का विकास, तो आर्थिक विकास और मानव संसाधनों के विकास में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यदि आर्थिक विकास करना है तो वहाँ पर मानवीय संसाधनों का विकास करना आवश्यक होगा। साथ ही जनसंख्या का जो वितरण है, संरचना है, ये आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है। और ये ही डिसाइड करते हैं कि वहाँ पर संसाधनों का स्तर कैसा होगा, तकनीकी का स्तर कैसा होगा। तो ये परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व के बारे में देखेंगे कि घनत्व को जो मेज़र करने के तरीके हैं, जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं। तो विश्व में जनसंख्या का वितरण, देखो, अब जनसंख्या वितरण का मतलब क्या है?
जनसंख्या का वितरण से आशय यह है कि जो जनसंख्या है वो किस प्रकार विस्तारित है, किस प्रकार फैली हुई है। ठीक है, हमें पता है कि वैश्विक जनसंख्या का वितरण असमान है, अत्यधिक असमान है। अत्यधिक असमान होने का मतलब क्या है? कहीं कहीं पर तो कोई भी नहीं निवास करता और कहीं पर जनसंख्या की जो डेंसिटी है, जनसंख्या का घनत्व, वो बहुत अधिक है। जैसे इसमें बोला गया है कि विश्व के कुछ कुछ भागों में मानव का अत्यधिक संकेंद्रण पाया जाता है। देखो, मोटे तौर पर विश्व की जो जनसंख्या है, विश्व के जो स्थलीय भाग हैं, जो निवास करने योग्य भाग हैं, जहाँ पर लोग रह रहे हैं, उसके मात्र 10% भाग पर विश्व की 90% जनसंख्या निवास करती है। 10% स्थल भाग पर आपकी 90% पॉपुलेशन निवास करती है। और विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 60%। या विश्व की टोटल जनसंख्या देखो, 2011 में विश्व की कुल जनसंख्या आपकी 7 बिलियन थी। ठीक, कुछ फैक्ट्स आपको याद करने हैं। 2010 में 7 बिलियन थी। अभी वर्तमान में यदि आप महाद्वीपों के हिसाब से जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप की है। आधी से ज़्यादा जनसंख्या एशिया में निवास करती है। कितनी जनसंख्या लगभग अभी? 4.26 बिलियन जो एशिया में निवास करती है। इसके बाद में नाम आता है, नंबर आता है अफ्रीका का। अफ्रीका दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। यहाँ पर 1.072 मिलियन लोग निवास करते हैं। इसके पश्चात यूरोप, जिसमें फॉर्मर USSR, जो आपका सोवियत रूस था जिसका विघटन हो गया, उसको यदि सम्मिलित कर लो तो अफ्रीका के बाद में यूरोप, इसमें आपके 740 मिलियन लोग निवास करते हैं। उसके बाद में आपका लैटिन अमेरिका, लगभग 600 मिलियन। उसके बाद में उत्तरी अमेरिका, 349 मिलियन। और सबसे बाद में ओशिनिया, जिसमें आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सम्मिलित है, यहाँ पर मात्र 37 मिलियन लोग निवास करते हैं। तो आप देखोगे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और ओशिनिया, ये इनका घटते क्रम में मैंने बताया जनसंख्या, कुल जनसंख्या के हिसाब से। कुछ ऐसे कारक हैं जो पृथ्वी पर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसमें हम एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाएंगे। अब ये देखिए, ये है विश्व की जनसंख्या की बढ़ने की जो दर है, उसको आप देख सकते हैं ग्राफ के माध्यम से। जैसे आप देखोगे कि 2011 में विश्व की जनसंख्या 7 बिलियन है। इसको आप एक्सट्रापोलेट करोगे तो लगभग 2025 के आसपास ये जनसंख्या 8 बिलियन पहुंच जाएगी, और 2045 तक, 2040 के बाद ये जनसंख्या 9 बिलियन, इसके 9 बिलियन पहुंचने के आसार है। तो आप देखोगे कि अभी रिसेंटली जो है आपका जनसंख्या की जो बढ़ने की गति है, या जनसंख्या की जो डबल होने की स्पीड है, वो आपकी बढ़ी है। इसको जनसंख्या वृद्धि को हम नेक्स्ट चैप्टर्स में देखेंगे डिटेल से। अभी हम बात करते हैं जनसंख्या के घनत्व की। तो जनसंख्या का घनत्व क्या है? जनसंख्या के वितरण को जो हम समझते हैं, उसको अच्छे से समझने के लिए हमें घनत्व के बारे में जानना आवश्यक है। तो घनत्व क्या है? घनत्व है आपका प्रति इकाई क्षेत्रफल पर व्यक्तियों की संख्या, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर व्यक्तियों की संख्या। और घनत्व हमें एक तुलनात्मक इंडिकेटर देता है, तुलनात्मक सूचक देता है, जिसके माध्यम से हम दो विभिन्न क्षेत्रों की जनसंख्याओं को कंपेयर कर सकते हैं। देखो,
भूमि की प्रत्येक इकाई पर निवास करने वाले लोगों का पोषण करने की क्षमता सीमित होती है। मतलब कोई लैंड मास है, कोई स्थल भाग है, यहाँ पर जो लोग निवास कर रहे हैं उनकी जो संख्या है, तो ये जो स्थल भाग है, यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं या जो भी कृषि भूमि है, उसकी लिमिटेशन है कि वो कितने लोगों को पोषित कर सकती है। ठीक है, उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो निश्चित है। तो यदि इस कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा लोग होंगे तो वहाँ वो जो जगह कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी ओवर पॉपुलेटेड। ठीक है, और यदि उस कैरिंग कैपेसिटी से कम होगा तो वो क्या होगा, मतलब वहाँ के जो संसाधन है उनका अनुकूलतम उपयोग नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ पर मानव संसाधन कम है। और यदि कैरिंग कैपेसिटी के इक्वलेंट वहाँ पर पॉपुलेशन होगी तो उसको कहेंगे हम ऑप्टिमम पॉपुलेशन, अनुकूलतम जनसंख्या। इसको भी हम नेक्स्ट चैप्टर्स में डिटेल में समझेंगे कि ओवर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन और ऑप्टिमम पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि हम घनत्व का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, उसके लिए तो कंपेयर कर सकते हैं इससे हम दो क्षेत्रों को, और दूसरा जो वहाँ के संसाधन है उन संसाधनों की एक सीमा होती है कि वो कितने लोगों को पोषण प्रदान कर सकें। अब मोटे तौर पर विश्व की जो जनसंख्या है उसका औसत घनत्व आपका 49 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब घनत्व को मेजर करने के तरीके भी बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे अभी हम बात करेंगे यहाँ पे आपका जो सबसे कॉमन जो मेथड है डेंसिटी मेजर करने का वो है आपका अंकगणितीय घनत्व। अंकगणितीय घनत्व क्या होता है, किसी भी क्षेत्र की कुल जनसंख्या को यदि आप उसके कुल क्षेत्रफल से डिवाइड कर दें, कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाई उसका कुल क्षेत्रफल, तो ये आपको क्या कहलाएगा, आंकिक घनत्व या अंकगणितीय घनत्व कहलाएगा। ठीक है, अब इसका ड्रॉबैक क्या है, तो ड्रॉबैक यह है कि अंकगणितीय जो घनत्व है उससे जनसंख्या संकेंद्रण की सही जानकारी प्राप्त नहीं होती। ठीक है, क्यों नहीं होती, क्योंकि जैसे मान लो ये कोई एरिया है जिसमें व्यक्ति निवास करते हैं, अब निवास करने इसमें जैसे मान लो कि ये एक मरुस्थलीय प्रदेश है, तो यदि हम आंकिक घनत्व या अंकगणितीय घनत्व निकालेंगे तो हम इसमें कंप्लीट एरिया कंसिडर करेंगे। जैसे ये एरिया मान लो 10 किलोमीटर है, इसका एरिया 10 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन इसका इसमें से 3 स्क्वायर किलोमीटर एरिया आपका निर्जन है, जहाँ पर कुछ नहीं है, न संसाधन है, न वहाँ पर पानी है, जल संसाधन है। ठीक है, बिल्कुल निर्जन है, तो रहने के लिए कितना एरिया बचा, केवल 7 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन जब हम आंकिक घनत्व निकालते हैं तो उसमें हम एरिया कितना कंसिडर करते हैं, 10 स्क्वायर किलोमीटर। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति तो केवल वही जगह रहेगा ना जहाँ पर उसको संसाधन मिल रहे हों या फिर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही हो या वहाँ पर रहने लायक जगह हो। तो इस घनत्व को जब कंसिडर करते हैं तो ये केवल संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करता है, और यदि ये नहीं देखता कि वहाँ पर वातावरण में मानवीय दशाएँ सामाजिक है या नहीं। ठीक है, तो इसलिए एक दूसरा मेथड है घनत्व मेजर करने का, वह है आपका फिजियोलॉजिकल डेंसिटी या कायिक घनत्व। कायिक घनत्व कैसे निकाला जाता है, कायिक घनत्व में कुल जनसंख्या को निवल कृषि क्षेत्र, ठीक है, वहाँ पर जितना जितना क्षेत्र पे कृषि की जाती है उससे डिवाइड किया जाता है। कुल क्षेत्रफल नहीं लेते इसमें, लेते हैं निवल कृषि क्षेत्र, और ये उन क्षेत्रों के लिए, उन जगहों के लिए कैलकुलेट करने में अच्छे रिजल्ट देता है जहाँ पर कृषि जो है एक प्रमुख वो है आपका उद्योग है, प्रमुख ऑक्यूपेशन है, प्रमुख व्यवसाय है।
तो देखो, एरेबल लैंड और कृषि जनसंख्या के अनुपात को कायिक घनत्व कहते हैं। चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और लगभग इसकी 60% से अधिक जनसंख्या गांव में निवास करती है और प्रमुखतः कृषि को अपना व्यवसाय मानती है, तो देश के लिए, भारत जैसे देशों के लिए सूचकांक अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, ये आपके हो गए घनत्व। तो और भी इसमें और भी मेथड हो सकते हैं, जैसे एक आपका आर्थिक घनत्व या इकोनॉमिक डेंसिटी भी होती है। तो उसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, जैसे आर्थिक घनत्व जो होता है आपका, इसमें आपको क्या करते हैं, जो आपके राष्ट्रीय उत्पादन को मेजर करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे GDP, GNP, इसको आप, जैसे मान लो GDP यदि इंडिकेटर हमने लिया, तो उसको आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हो। तो घनत्व तो और भी तरीके से मेजर किए जा सकते हैं, लेकिन हमने अभी देखा दो घनत्व। पहला आपका देखा, सबसे पहले हमने देखा, इसको रिकैप कर लेते हैं एक बार घनत्व को। सबसे पहले देखा हमने आंकिक घनत्व, ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कायिक घनत्व या फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। तो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी क्या होगी आपकी, कायिक घनत्व हो गया आपका कुल जनसंख्या, उसको किससे डिवाइड करना है, कृषि, कृषि योग्य भूमि से। सबसे पहले तो आपका हो गया आंकिक घनत्व, उसके बाद में हो गया आपका कायिक घनत्व। एक एक और हम इंडिकेटर ले सकते हैं, कृषि घनत्व। कृषि घनत्व क्या होता है आपका, कुल कृषि में संलग्न कुल जनसंख्या, कृषि में संलग्न कुल जनसंख्या, इसको आप डिवाइड कर दो कुल क्षेत्रफल से, तो ये आपको कृषि घनत्व दे देगी। ऐसे ही मैंने बताया आर्थिक घनत्व, आर्थिक घनत्व आपका हो गया जो GDP है उसको डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन से, तो ये आपका आर्थिक घनत्व हो गया। तो इस क्लास में हमने देखा घनत्व क्या है, जनसंख्या घनत्व क्यों पढ़ते हैं, तो मेन प्रकार के जनसंख्या घनत्व कौन कौन से हैं, और कौन कौन से महाद्वीपों की जनसंख्या क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में।